बच्चन साहब, हमेशा आपको गिफ्ट तो मिलते ही रहता है, लेकिन राइट साइड में बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि इतना बड़ा गिफ्ट है क्या एग्जैक्टली, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? हाँ शांति 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 शांति, हेलो फ्रेंड्स, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हेलो 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 हाय, आप सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर बहुत सी खूबसूरत सी चीज़ है, जैसे मिस्टर बच्चन के बारे में सभी जानते हैं कि वो हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश में बसते हैं। तो ये हमारे नेदरलैंड से हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने खूबसूरत सा तोहफा बनाया है मिस्टर बच्चन के लिए, जो मिस्टर बच्चन अनवील करेंगे और आप लोगों के सामने बताएंगे। अमित जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद। As they say, change is the only constant। हाँ जी, change is the only constant जी। So in so many years, ऐसे कौन से बदलाव है जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, जो अच्छे लगे हैं या फिर जो बुरे लगे हैं, पर्सनली प्रोफेशनली? अब फिल्म इंडस्ट्री में 47 वर्ष हो गए और जाहिर है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है बहुत सी चीज़ें बदलती जाती हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गई है। जब मैं आया 1960 के दशक में तो बड़े बड़े मिचेल कैमरा होते थे जिसमें मैगज़ीन भरी जाती थी, फिल्म होता था, और अब तो फिल्म है नहीं। तो पता नहीं ये फिल्म इंडस्ट्री कहें या डिजिटल इंडस्ट्री कहें, क्या कहें इसको, अभी तो फिल्म तो है नहीं, नदारत हो गई है। और वहाँ से फिर हम लोग डिजिटल में आए। फिल्म में ये था कि मैगज़ीन जो थी वो एक निर्धारित उसमें फुटेज होता था, 1000-1500 फीट होते थे, और उसी के अंदर आपको शॉट करना होता था। अब डिजिटल है, जैसे पिंक जैसी फिल्म में हमने ज़्यादातर उसका इस्तेमाल किया डिजिटल कैमरा का, और जो कोर्टरूम सीक्वेंसेस थे वो अलग अलग हमने नहीं लिए, वो 15-15, 20-20 पन्नों का सीन एक साथ शूट हुआ, उसमें बीच में कभी रोका नहीं। और वो तभी संभव हो सका जब डिजिटल कैमरा था, क्योंकि उसको रीलोड करना नहीं पड़ता, वो चलता ही जाता है घंटों। तो उसमें थोड़े से काम करने में बदलाव आता है। जब फिल्म वाला कैमरा था उसमें बता देते हैं भाई अब फिल्म ख़त्म हो गई, अब रुक जाइए, या कट करके आपको दूसरा शॉट ले लिया। यहाँ पर ऐसा था कि 15-20 मिनट तक एक एक शॉट चलता था, और ऐसा नहीं था कि आपने अपना काम किया और उसके बाद आप चले गए अपने कमरे में। जितना भी आपके शॉट था वो आपको शॉट देकर के जहाँ भी आप बैठे हैं आपका रिएक्शन भी कैप्चर हो रहा है, क्योंकि 7-8 कैमरा चल रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा बदलाव आया और बहुत अच्छा भी लगता है। जब अगर आपने पिंक देखी होगी उसमें लगा होगा आपको कि बहुत ही रियल तरीके से जितना भी है वो फिल्माया गया है। वो बहुत से बदलाव आए हैं, हमारे काम करने के तरीके भी बदल गए हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे वो लगती है कि हमारे सेट के ऊपर बहुत सारी महिलाएँ अब दिखती हैं, काम कर रही हैं, अलग अलग तरह के काम, डायरेक्शन में हो, कैमरा में हो, प्रोडक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो। हमारे ज़माने में तो ऐसा होता नहीं था। जितनी भी महिलाएं दिखती थी सेट पे वो या तो लीडिंग लेडी होती थी या उनकी माताजी होती थी, और कोई होता नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप हमारे सेट पे आएंगे तो कम से कम 75% जो है आपको महिलाएं दिखेंगी, और ये हमारे देश के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज सौभाग्यवश, ये मेरे लिए सौभाग्य कि आज डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है, एंड हम लोग सब उसको उसको एंडोर्स करते हैं। और प्लान इंडिया जो है एक संस्था है जो गर्ल चाइल्ड के लिए काम करती है, जिनके साथ हम भी संबंधित हैं। तो अभी मैं ट्वीट भी करूंगा इसके बारे में। हमने जया ने जो हमारी 70वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक निकाली थी, उसमें 70 जितने भी आर्टिस्ट थे देश भर में, उनसे कहा गया था कि आप एक पेंटिंग बनाइए मेरे ऊपर, और उन्होंने अलग अलग तरह के चित्र बनाए, फिर उसका एग्जीबिशन हुआ। उसमें से चित्रों की जो बिक्री हुई उसमें से जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ तो वो हमने प्लान इंडिया को दान में दिया गर्ल चाइल्ड के लिए। तो इस साल भी इसी तरह का और कार्यक्रम हो इसके लिए हम उसमें साथ हम सब लगे हुए हैं। तो इस तरह के बदलाव आते रहे हैं और आगे भी मैं ऐसा मानता हूँ, कलाकार जो हैं वो बहुत सक्षम हैं। जितने भी नए कलाकार हैं उनको मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ उनकी, क्योंकि
अपनी पहली ही फिल्म में वो लोग एकदम सही काम करते हैं, कहीं भी आप कोई त्रुटि कोई कमी उनमें आप नहीं पाएंगे, और ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, यही सब बदलाव हैं। ये जब आप अभिषेक से मिलेंगे तो पूछिएगा, हमारी नज़रों में तो वो सही हैं। अमित जी, आज कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है इस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आज का दिवस कैसे मनाने वाले हैं? कुछ नहीं है, बस घर जाके परिवार के साथ बैठेंगे। अमित सर धन्यवाद। सर ये पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने भी किताब लिखी है और आगे भी लिखेंगे, लेकिन ऐसी और बहुत सी किताबें लिखनी चाहिए। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और कई बार मैंने अपने ऐसे इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रथा है वो इतनी प्रबल नहीं है, होनी चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। कैसे लोग थे वो, क्या ख्यालात थे उनके जब वो इस तरह की फिल्में बना रहे थे, मैं जानना चाहूँगा। न केवल कि इनके साथ ये हुआ, ये फिल्में काम किया कुछ नहीं, पर लेकिन हम जानना चाहेंगे कि राज कपूर साहब के मन में क्या था जब उन्होंने सोचा कि मुझे आवारा बनानी चाहिए या बॉबी बनानी चाहिए, महबूब साहब के मन में क्या था जब उन्होंने मदर इंडिया बनाई, या के आसिफ साहब के मन के अंदर क्या था, क्या भावना थी, कैसे उन्होंने उसको काम किया, क्या उनकी विचारधारा थी, ये हम कभी जानते नहीं हैं। दिलीप साहब ने कैसे देवदास में काम किया, मोतीलाल गुरुदत्त कागज़ के फूल कैसे बनाई उन्होंने, क्या उनके मन में सोच विचार था, क्यों ऐसा शॉट लिया, इस सब के ऊपर कभी चर्चा होती नहीं है। लेकिन आप जैसे महारथी जो लिखते रहते हैं पुस्तकें, ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा हूँ, लिखिए और उनसे बातचीत कीजिए। बहुत से लोगों को जा करके उनसे बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए एक ज्ञान होगा, हम जाने कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा था, क्यों ऐसी तरह की फिल्में बनाई, क्यों इस तरह का शॉट लिया, क्यों इस तरह के वस्त्र बनाए, सब कुछ, ये गाना इस तरह का क्यों था, उसके बोल इस तरह के क्यों थे, ये जानने के लिए हम सब उत्सुक हैं। अभी तो बस एक गाना सुनते हैं या देख लेते हैं कोई फिल्म और बस तृप्ति हो जाती है, लेकिन उसके पीछे क्या गया इसके बारे में हमारे पास इंडस्ट्री में कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और बहुत से लोग, मैं आपको बताऊँ, जो कि विदेश में हैं, ख़ासतौर से विलायत में, वो जब भी कोई इतिहास लिखना चाहते हैं भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर, उनको सिवाय गॉसिप मैगज़ीन के और कुछ मिलता ही नहीं है, तो वो बड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इसके अलावा भी और कुछ होता है यहाँ की नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि और बहुत सी किताबें भी लिखी जाएं। अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अमित सर, यू आर समवन हू हैज फेस्ड ट्रेमेंडस हाइज एज वेल एज लोज इन योर करियर, बट ईच एंड एवरी टाइम यू हैव गोन थ्रू दैट लीन फेस, यू हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द एशेस लाइक अ फीनिक्स। व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू ईच एंड एवरी टाइम टू कम बैक? मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा, बाबूजी ने सिखाया था। सर, ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन, रिसेंटली वी सॉ श्वेता राइटिंग एन ओपन लेटर वेयर शी यू नो सपोर्टेड द वे यू नो शी एक्चुअली डिनाउंस द वे हर डॉटर्स पिक्चर्स आर गोइंग वायरल, यू नो, डू यू थिंक इट इज द इंट्रूजन ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द सोशल मीडिया दैट इज क्रिएटिंग दिस इंट्रूजन? आई थिंक व्हाट शी नीडेड टू से हैज ऑलरेडी बीन क्वाइट एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड इन हर कॉलम, यू शुड रीड इट, दैट्स इनफ। अमित जी, जन्मदिन की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये बताइए कि जो बॉक्स, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, मेरा हो गया सवाल है सवाल पूछ रही हूँ, कैसा लगा ये गिफ्ट सबसे पहले आपको जी? कैसे लगा ये? कुछ साल पहले ये एम्स्टरडैम हॉलैंड से कुछ सज्जन पुरुष आए थे, और उन्होंने कहा कि हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और हम आपके लिए कुछ बनाना चाहेंगे, तो मैंने अनुमति दे दी, और आज इसे प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं अब जुकबॉक्स का ज़माना रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफा है मेरे लिए, और इसे मैं यहीं रखूँगा अपने ऑफिस में, आते जाते जब आप लोगों को कभी इंतज़ार करना हो तो बटन दबा करके गाना वाना सुन लीजिएगा। अमित जी, हेलो, विशिंग यू हैप्पी डे। सर, ये जुकबॉक्स देखिए, मुझे एक आपकी ओल्ड मूवी याद आई, अमर अकबर एंटी, जहाँ अंडे से आप निकलते बाहर। जी जी, सो दैट वाज अ वेरी, तो ऐसे कोई जो गिफ्ट है जो आपको मेमोरेबल है कि इन पास्ट योर फैंस हैव गिवन टू यू? ऐसा कोई गिफ्ट जिसमें मैं अंडे से निकला? नहीं, अंडे से नहीं, मतलब तो ऐसे कोई गिफ्ट है जैसे जुकबॉक्स ऐसे गिफ्ट है
प्रत्येक गिफ्ट जो है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मेमोरेबल है। अमित जी जी, अभी आपने काफ़ी सारे चेंजेस ओवर द इयर्स जो हुआ है वो बताया आपने, लेकिन आपके ज़माने में जब आप फिल्म जब हो रहा था तब इतने फिल्म के लिए प्रमोशन एक्टिविटीज़ नहीं था, लेकिन आजकल हर एक फिल्म के पीछे, छोटा बड़ा सब फिल्म के पीछे उसका प्री प्रमोशन पोस्ट प्रमोशन चलते रहते, तो आपको क्या लगता है कि अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा हो, सब्जेक्ट अच्छा हो, तो प्रमोशन सेकेंडरी हो जाता है या प्रमोशन इज़ नीडेड टुडे? कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है और आप सही हैं कि प्रमोशन करते समय मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्योंकि अब ये एक प्रथा बन गई है उसे हमें करना पड़ता है। बात दरअसल ये है कि पहले ज़माने में फिल्में जो हैं वो 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, 75 हफ्ते चला करती थी, इसलिए उनको प्रमोट करने का कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। अब जो है हर एक पिक्चर जो है वो 3 दिन की बन गई है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसी दिन में निर्धारित हो जाता है कितनी कमाई होगी, कितनी प्रशंसा होगी, कितना उसका निरादर किया जाएगा। 3 दिन को संभालने के लिए ऐसा प्रोड्यूसर्स मानते हैं कि अगर उसका प्रचार नहीं होगा तो इतने बहुत से हमारे पास कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट के साधन अब बन गए हैं कि उनकी बात जो है या उनकी उनका जो पदार्थ है वो दिखाई नहीं देगा। आप टेलीविज़न से घर पे बैठे बैठे सब कुछ आपको मिल जाता है, मोबाइल पे सब कुछ मिल जाता है, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, क्या करें जिससे कि वो इंसान, वो शख्स अपने घर से बाहर निकले, मल्टीप्लेक्स में जाए या सिनेमा घर में जाए उनकी फिल्म को देखने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको वहाँ से खींच निकालने के लिए ये प्रमोशन करना पड़ता है। लेकिन देखिए, प्रमोशन तो कोई ऐसी बुरी बात है नहीं। हाँ, हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि जा करके 50 जगह जा करके उसी प्रश्न का अलग अलग ढंग से उत्तर देना पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे। इसमें बहुत से और भी विषय हैं प्रमोशन के। मीडिया भी एक तरह से प्रमोशन ही है, देखिए आप लोगों का भी ये प्रमोशन ही है, किसके साथ जाकर के इंटरव्यू है, कौन सी छवि खींचें, ये सब जितने यहाँ बैठे हैं ये सब सोच रहे हैं कौन सा बढ़िया तस्वीर लूँ, कौन सा मैगज़ीन हमारा फ़ोटो खरीदेगा, कैसे उनकी आमदनी होगी, ये सब चीज़ें हैं, इसका हम ध्यान देते हैं और हम सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। किसी की आमदनी हो रही है अगर वो अलग तरीके, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, कौन सा जूता पहना है, कौन सा कपड़ा पहना है, वो सब का तस्वीर खींचते हैं, और बाहर निकल रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा ये एक समस्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ही सोचते हैं अब, अरे यार फ्लाइट पकड़नी है, क्या कपड़ा पिछली बार क्या पहना था सोच के, ताकि वो दोबारा ना हो, क्योंकि वो छप जाएगा तो आपका एडिटर जो है वो बोलेगा इसके पास एक ही कपड़ा है, एक ही पैंट है, एक ही जूता है, वही बार बार पहन के निकलता है। तो ये अब इस पर हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल कह रहे हैं कि अब ऐसा हो गया है और इसमें कोई बुराई नहीं, मैं मानता हूँ आपको भी अपना प्रचार करना है, हमको भी अपना प्रचार करना है। अमित सर, आपके राइट है जी, अमित फ्रॉम amarujala.com। अमित सर, इंडस्ट्री करेक्शन के फेज से गुजर रही है। हाँ जी, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री करेक्शन के फेज से गुजर रही है। अच्छा, दो मेजर जो स्टूडियोज हैं फिल्म मेकिंग के, हाँ जी, दो मेजर फिल्म मेकिंग के जो स्टूडियोज हैं, बालाजी और वॉल्ट डिज्नी इंडिया, उन दोनों ने अपने वेंचर्स बंद किए हैं और वो इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि फिल्म मेकिंग का उनकी कॉस्टिंग कैसे कम की जाए। तो क्या आप मानते हैं कि कॉरपोरेट्स जब आए और उन्होंने सितारों को बेतहाशा पैसा देना शुरू किया, वो एक रीज़न है कि फिल्म का बजट फेल हो जाता है? 47 साल हो गए हैं मुझे, कोई भी वर्ष ऐसा नहीं आया है जहां पर इस प्रश्न का हमारे सामने ना डाला गया हो कि यार सर इंडस्ट्री जो है ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या होगा, ये दुकान बंद हो गई, इसकी ये दुकान बंद हो गई। सर, ये फिल्म इंडस्ट्री चिरायु है, हमेशा जीवित रहेगी और चलती रहेगी। ये बाधाएं आती रहेंगी बीच बीच में, कुछ सफलताएं आएंगी, कुछ निराशाएं होंगी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री चलती रहेगी। और हर बार जो है यही एक आरोप लगता है कि जो कलाकार है उसको ज़्यादा पैसे दे दिए इसलिए फिल्म जो है वो बैठ गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कलाकार के अंदर अगर इतनी क्षमता है कि वो बॉक्स ऑफिस पे आप जैसे लोगों को और बहुत सारे लोगों को खींच करके सिनेमा घर में ला सके, तो अगर वो अगर एक तरह की आमदनी मांग रहा है तो उसको देने में क्या खराबी है। वो पैसा अगर कवर हो जाता है उसे इतना पैसा दे करके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं होता है तो वो अगली फिल्म में उसको आप कम दे देते हैं, तब तो आप प्रश्न नहीं पूछते, और कई बार होता है ऐसा। मैं अपना ही उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि जब
हमारे जवानी में जब हम हीरो हुआ करते थे और उस समय एक हमारा एक तनख्वाह थी जो निर्धारित होती थी। अगर हमारी कोई फिल्म चल जाती थी तो हमारे जो लोग हैं जो कि बात करने जाते हैं, क्योंकि हम तो पैसे की बात नहीं कर पाते हैं, वो जा करके बोलते थे सर देखिए ये फिल्म चल गई है, अब थोड़ा सा और इसमें ये प्रबल हो गए हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से बढ़ाते थे। फिर कभी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो कहते हैं कि साहब आपकी तो फिल्म फ्लॉप हो गई, हम कम कर देंगे, कम कर देंगे। ये चलता रहता है, ये लेन देन की बात है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जीवित रहेगी, जिंदा रहेगी। अमित सर, ये जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, हाँ जी, हॉलीवुड की फिल्मों से इंडियन फिल्मों को चुनौतियाँ मिल रही हैं जी, इसके बावजूद जो इंडियन स्टार्स हैं वो क्यों आवाज़ देते हैं या उसमें एक्ट करते हैं? क्यों ना दें, कोई कहेगा कि इसमें आप अपना योगदान दीजिए, हम देंगे। किसी भी चुनौती से हमको डरना नहीं चाहिए, हम लड़ेंगे उनके साथ। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ भी हॉलीवुड गया है और देशों में, उनकी इंडस्ट्री को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ भी यही प्रयत्न हो रहा है, लेकिन हमने अभी तक हार नहीं मानी है, हम लड़ेंगे उनके साथ, आना चाहिए उनको, ठीक है, धन्यवाद।